संदेश खाली का खलनायक जिसे बीजेपी नेता छोटा दाऊद भी कह रहे हैं, गिरफ्तार तो हो गया लेकिन उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हैं। आखिरकार 55 दिन तक शेख शाहजहां कहां पर छिपा रहा? पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर नहीं पाई या करना नहीं चाहती थी? वैसे ये बात जी न्यूज ने कई दिनों पहले दर्शकों को बता दी थी कि शेख शाहजहां संदेश खाली के आसपास ही छिपा है, लेकिन फिर उसे गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों हुई और उसकी गिरफ्तारी के बाद जश्न मना रहे संदेश खाली के लोगों के दिल में अब किस बात का डर है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस शख्स का नाम सुनकर संदेश खाली की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर संदेश खाली की महिलाएं आज सड़कों पर निकलकर एक दूसरे से खुशियां बांट रही हैं। शंख बजा रही हैं, एक दूसरे को गुलाल और सिंदूर लगा रही हैं, खुशी से चिल्ला रही हैं। इन महिलाओं के लिए शेख शाहजहां कितना बड़ा विलेन था, उसे इस तरह से संधरा सकता है कि उसकी गिरफ्तारी की खबर के बाद संदेश खाली की मिट्टी को महिलाएं गंगा जल से पवित्र कर रही हैं। हमारे संदेश खाली माटी এই তিনজন মানে পাপের জন্য তিনটে পাপী মানুষের জন্য অপবিত্র হয়ে গেছিল, সেই তিনটে মানুষ আজকে জেলে মধ্যে আটকে আজ মানে গারদের মধ্যে তাদেরকে ঢোকানো হয়েছে। আমাদের সন্দেশখালীর মাটি আমরা পবিত্র করছি। আর কুছ মহিলায় তো সিধে সিধে শেখ শাহজাহাঁকে লিয়ে সজায় মৌত মাগ রহি হ্যায়। কি শাস্তি চাইছেন? ফাঁসি হোক, সাজা সেটা ফাঁসি হোক। লেকিন সওয়াল উঠ রহা হ্যায়, আখিরকার जिस शेख शाहजहां से संदेश खाली की महिलाएं इतनी नफरत करती हैं, वो आखिरकार 55 दिन से कहां छिपा था? सवाल ये भी है कि शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल की पुलिस को चकमा दे रहा था या फिर पुलिस शेख शाहजहां से चकमा खा रही थी? चलिए सबसे पहले समझिए कैसे हुई शेख शाहजहां की गिरफ्तारी और क्या है पश्चिम बंगाल पुलिस की थ्योरी। पश्चिम बंगाल की पुलिस के मुताबिक ईडी अफसरों पर हमला मामले में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल से लेकर हाईकोर्ट तक को दखल देना पड़ा। राज्यपाल ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे की समय सीमा दी थी, वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर निर्देश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था क्योंकि शेख शाहजहां कई दिनों से फरार है, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा ईडी और सीबीआई भी उसे गिरफ्तार कर सकती हैं, और इसके बाद 24 घंटे के अंदर शेख की गिरफ्तारी हो गई। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बताया कि वो कई दिनों से शेख शाहजहां पर निगाह रख रही थी। शेख शाहजहां एक मछली फार्म के बीच गेस्ट हाउस में छिपा था और मोबाइल फोन से शेख शाहजहां की लोकेशन को ट्रेस किया। यह है बामनपुकुर इलाका। शाहजहां शेख को यहीं से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि मीनाखा पुलिस स्टेशन के पास का ये इस इलाके से ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया कल रात को। जो पुलिस के सूत्रों से पता चल रहा है कि पुलिस की एक टीम जो पिछले कुछ दिनों से शेख शाहजहां के जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी हुई थी, और जैसे ही पुलिस को हाईकोर्ट से दिशा निर्देश मिला कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है, तुरंत पुलिस हरकत में आई और उन्हें यहां से गिरफ्तार किया गया। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के बाद से फरार चल रहे शेख शाहजहां की गिरफ्तारी में 55 दिन लग गए। इसी वजह से पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो जानबूझकर शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर रही, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की पुलिस कोर्ट के निर्देश के बाद गिरफ्तारी को सही बता रही है। लगातार बोला हुए छे जे पुलिस इच्छाकृत भावे शेख शाहजहां के गिरफ्तार करछे ना। आमी बोलते चाहिए स्पष्ट करे, एटा ठीक नय, एटा भूल, एटा अपप्रचार। आमादेर आईनी बाध्यबाधकता छिल जेटा स्पष्ट करे दिएछे। पश्चिम बंगाल पुलिस पर जो आरोप लग रहे थे अब उसकी वजह भी समझिए। जी न्यूज ने खुद संदेश खाली में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हमने ये रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कई गांव वालों ने शेख शाहजहां को संदेश खाली में ही घूमते देखा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। कहां कहां किस किस इलाके में वो देखा गया है उनको? वो यही है, संदेश खाली की बाहर गया नहीं है, वो संदेश खाली में ही घूम रहा है। और ये बात आखिरकार सच भी साबित हुई, क्योंकि शेख शाहजहां को नार 24 परगना के जिस मीना खाई इलाके से गिरफ्तार किया गया है वो संदेश खाली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5-स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा।
फिलहाल संदेश खाली के खलनायक शेख शाहजहां को बशीरहार कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा शेख शाहजहां की जमानत की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख। कलकत्ता हाईकोर्ट संदेश खाली के विलेन पर रहम के मूड में नहीं दिख रहा। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद उसकी लीगल टीम कलकत्ता हाईकोर्ट में राहत के लिए पहुंची तो कोर्ट ने कहा उसे कस्टडी में ही रहने दो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। उसके वकील से हाईकोर्ट ने कहा कि उसे शेख से कोई सहानुभूति नहीं है। शेख के खिलाफ 43 केस पेंडिंग है और हम उसके कोर्ट में आने का इंतजार ही कर रहे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां के वकील से कहा कि आपका मुवक्किल आपको 10 साल व्यस्त रखेगा। ये टिप्पणी बताती है कि शेख शाहजहां के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं। 14 दिन पीसी मांगा था लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ और नजर 8 में वो सुनेडस का प्यार था वो अलाउ हुआ। ये इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। फिलहाल शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया है लेकिन उसकी अकड़ नहीं गई है। गिरफ्तारी के बाद अब तक शेख शाहजहां पर ममता दिखा रही टीएमसी ने भी उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद संदेश खाली के लोगों में डर है क्या शेख शाहजहां को उसके सभी गुनाहों की सजा मिल पाएगी। संदेश खाली की हवा में आज खुशी की लहर। यहाँ के स्थानीय लोग खासकर महिलाएं खुलकर जश्न मना रही है क्योंकि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनके मन में एक सवाल ये भी है कि शाहजहां शेख को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया, क्या उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सिंह गुप्ता, जी मीडिया, संदेश खाली। तो शेख शाहजहां के ऊपर ईडी की टीम पर हमले के साथ साथ हिंसा और यौन उत्पीड़न के भी कई मामले दर्ज हैं। लेकिन जिस वजह से संदेश खाली के किसानों का सब्र टूट गया वो था जमीन पर कब्जा करके उन्हें तालाब बनाने का, जिसने संदेश खाली के किसानों को बर्बाद कर दिया। शेख जहां ने संदेश खाली की उपजाऊ जमीनों को तालाब में तब्दील कर दिया था। इन तालाबों पर शेख शाहजहां और उसके आदमियों ने कब्जा कर रखा था। शेख शाहजहां को मछली पालन के इस धंधे से बड़ी कमाई होती थी। जो जमीनें शेख शाहजहां ने छीनी किसान उस पर धान उगाया करते थे। 100 एकड़ तालाब में 25 से ज्यादा किसानों की जमीनें समा गई थीं। ये जमीनें शेख शाहजहां ने बाहुबल के दम पर छीनी थीं। किसानों ने उन्हें जबरन डरा धमका कर लीज पर जमीनें ली गईं, लेकिन बाद में उसका पैसा भी नहीं दिया गया। जो किसान जमीन देने को तैयार नहीं थे उनके खेतों में खारा पानी भर दिया गया। इन तालाबों का जिम्मा शेख शाहजहां के खास आदमी उत्तम सरदार के पास था। Zini.